नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू गुरुचेर एकेडमी। आज के इस लेक्चर ट्यूटोरियल में हम पाइथन सीरीज को और आगे ले जाते हुए कुछ स्पेशल मेथड्स एंड फंक्शंस के बारे में हम पढ़ने जाएंगे। गाइस को आप एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स कह सकते हैं। हम जिस तरीके से अपने इफ़ एल्स कंडीशन, फॉर लूप एंड वाइल लूप का यूज़ करते हुए हमने ये देखा था कि हम अपने कंडीशंस लगा के हम किस तरीके से नंबर्स को हम प्रिंट करा सकते हैं या स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकते हैं, तो उसी तरीके से हम आज कुछ स्पेशल फंक्शंस पढ़ने जाएंगे। तो गाइस आपने इससे पिछले लेक्चर ट्यूटोरियल में आपने देखा था कि किस तरीके से हम इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं, फॉर लूप का यूज़ करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम कुछ और मेथड्स के बारे में पढ़ने जाएंगे। गाइस जो सबसे पहला मेथड जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। हम आज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये होता क्या है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में हमने जब लिस्ट के बारे में पढ़ा था तो हमने वो बेसिकली हमारे एलिमेंट्स, कई सारे एलिमेंट्स हमारे लिस्ट के अंदर थे, चाहे वो हमारे इंटीजर्स हों, फ्लोट हों, बूलेन हों या फिर स्ट्रिंग हो। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में हम क्या करते हैं कि हम अपने एलिमेंट्स को हम लिस्ट के अंदर ही रखते हैं। बाय द नेम सजेस्ट लिस्ट, हम अपने एलिमेंट्स को लिस्ट के अंदर ही रखते हैं। बट हम उस लिस्ट के अंदर जब हम कंडीशंस लगाते हैं दैट इज़ कॉल्ड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको, जैसे मेरे पास एक लिस्ट है ए नाम की लिस्ट के अंदर मेरे इंटीजर्स वैल्यू हैं 1। लिस्ट एक मेरी लिस्ट है ए नाम की, तो इस लिस्ट के अंदर मेरे कई इंटीजर वैल्यूज़ हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इस वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल ए के अंदर जो लिस्ट के एलिमेंट्स मेरे स्टोर हैं तो इनको मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। ओके, तो इसको प्रिंट कराने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक है हमारा कि हम फॉर लूप के थ्रू प्रिंट कराएं और एक है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू प्रिंट कराएं। तो मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा कि हम किस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं फॉर लूप के थ्रू कराता हूं, तो देखिए गाइस फॉर लूप का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, हम फॉर लूप क्यों यूज़ करते हैं। देखिए हम इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं कि जब हमें एक पर्टिकुलर कंडीशंस दी हों और उस कंडीशंस के हिसाब से अगर हमें अपने एलिमेंट्स या नंबर्स को प्रिंट कराना हो। हम फॉर लूप का यूज़ तब करते हैं हमारे जैसे कई सारे एलिमेंट्स किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हैं, देन हम फॉर लूप के थ्रू हम उस लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे, देन उसके बाद हम उसको प्रिंट कराएंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक वेरिएबल है ए। ओके, इस वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है इस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है, मेरा एक लिस्ट स्टोर है, ठीक है, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट कर रहा है। और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेरे कई सारे एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इन एलिमेंट्स को एक्सेस कराना चाहता हूँ, सो फॉर दैट आई यूज़ फॉर लूप। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर आई इन ए। ओके, तो मैंने इसका मतलब क्या है, फॉर का मतलब कि जब मुझे इन एलिमेंट्स को एक्सेस करना हो, ओके, जो कि मेरे वेरिएबल ए में स्टोर है, तो फॉर आई। अब देखिए मैंने लिखा आई इन ए, इन से क्या हुआ कि वो इस लिस्ट के अंदर गया। इस ये लिस्ट कहाँ पे थी, ए में स्टोर थी। ओके, ये लिस्ट ए में स्टोर थी तो ए के अंदर हुआ। अब ए के अंदर घुस के क्या काम कर रहा है वो, ए के अंदर जाके एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहा है विद द हेल्प ऑफ आई। मतलब अब जो तुम्हारा एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स अब किसके नाम से डिनोट होंगे, आई के नाम से डिनोट होंगे। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट आई करूँ तो देखिए आउटपुट, देखिए अब क्या हुआ, क्या इसने लिस्ट प्रिंट कराई, नहीं। क्या ये बता रहा है कि क्या ये लिस्ट है, स्ट्रिंग है, क्या, नहीं। उसने क्या करा, उसने वो सारे एलिमेंट्स प्रिंट कर दिए जो आई के नाम से सेव थे। ओके, और आई क्या था हमारा, आई थे हमारे इस लिस्ट के अंदर जितने भी हमारे ये नंबर्स हैं, तो इनको ये एक्सेस कर रहा था। तो उसने क्या करा, इन सारे नंबर्स को इसने प्रिंट करवा दिया। ओके, तो एक तरीका तो ये है कि हम किस तरीके से अपने लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को हम एक्सेस करवा सकते हैं। ओके, देन दूसरा तरीका ये है। अच्छा, अब दूसरा देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर मेरे ऑलरेडी एलिमेंट्स थे। ओके, अब फॉर एग्जांपल मेरी एक दूसरी लिस्ट है बी नाम की। ओके, तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन मतलब तुम्हारा क्या है कि लिस्ट के अंदर ही तुम्हारे एलिमेंट्स आएंगे, मतलब जो भी हम प्रिंट करवा रहे हैं वो लिस्ट के अंदर आएगा। ओके, तो इसलिए लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है, तो बाय द नेम सजेस्ट
लिस्ट तो हमने क्या करा, हमने स्क्वायर ब्रैकेट से ओपन और क्लोज कर दिया। ओके अब हम मुझे क्या करना है, अब लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन की बात कर रहा हूँ तो कुछ तो डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट यहाँ पे ये होता है हम कंडीशंस यहाँ पे लिस्ट के अंदर लगाते हैं। ओके अब फॉर एग्जांपल मान लो मुझे ये 9 एलिमेंट मुझे प्रिंट कराने हैं। ओके ये मुझे 9 एलिमेंट्स मुझे अगर प्रिंट कराने हैं तो मैं यहाँ लिखूँगा फॉर आई इन। ओके अब आई इन किस में, अब मैं लगाऊंगा रेंज फंक्शन, रेंज ऑफ 1 से 10। ओके 1 से 10 का, और मैंने रेंज का मैंने पहले बताया था कि ये स्टार्टिंग होता है और ये होता है एंडिंग, और नंबर कहाँ तक प्रिंट होंगे फ्रॉम 1 to n-1, मतलब 10 में से 1 गया 9, मतलब 1 से लेकर 9 तक एलिमेंट्स प्रिंट होंगे। ओके तो ये मैंने लिस्ट के अंदर कंडीशन लगा दी है फॉर आई इन रेंज ब्रैकेट में 1 और 10। ओके अब क्या करेगा, अब देखो क्या हुआ, क्या देखो फॉर की मदद से वो अंदर घुसा, किसके अंदर घुसा, रेंज के अंदर घुसा। ओके तो और आई इन, और अब रेंज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस किससे करेंगे, हम आई से करेंगे। ठीक है तो अब यहाँ तक क्या क्लियर हो चुका है, हमारा क्लियर कट ये हो चुका है कि वो आई जो आई नाम का जो एक आई जो नाम है टेम्परेरी नेम जो आई है, इस आई ने क्या करा, रेंज के अंदर जितने भी एलिमेंट उसको एक्सेस कर लिया। अब इसे प्रिंट कराना, तो हम प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल हम आई लिख देंगे एंड देन ये देखिए रन हो चुका है। अब मैं इसको अगर प्रिंट कराता हूँ बी, तो ये देखो लिस्ट के अंदर मेरे 1 से लेकर 9 तक एलिमेंट्स मेरे सारे आ चुके हैं, दैट इज़ कॉल्ड लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। ओके अब एक चीज़ मैं इसमें और कर सकता हूँ कि जैसे मुझे, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरे लिस्ट के अंदर सारे नहीं, मेरे लिस्ट में सिर्फ इवन नंबर्स आएँ, तो अब यहाँ पे जैसे इवन नंबर्स के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे इवन नंबर, अगर मुझे यहाँ पे इवन नंबर करना है तो मैंने आपको पहले मैंने बताया है कि अब आई क्या, अब मुझे आई मॉड्यूल 2 डबल इक्वल्स टू 0। ओके आई मॉड्यूल 2 डबल इक्वल्स 0 मतलब जो रिमाइंडर हो, मतलब आई क्या है, ये नंबर्स हैं, इनको जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो जो मेरा रिमाइंडर आएगा, वो रिमाइंडर अगर मेरा 0 के बराबर होता है तो वो आई प्रिंट करा दे। देखो ये कुछ गलत हो रहा है। ओके तो 2 मिनट मैं इसको देखिए ये था क्या कि जब अब अगर मुझे इस एलिमेंट इसके अंदर जो आई नाम से जो एक्सिस हैं, अगर मुझे इसमें सिर्फ वो नंबर प्रिंट कराने हो जो कि इवन है, तो फॉर आई इन ए मतलब आई से क्या हुआ, आई से इसने आई नाम से डिनोट कर ली कि सारे एलिमेंट्स हैं। देन अगर मैं यहाँ कंडीशन लगाता हूँ इफ़ आई मॉड्यूल 2 डबल इक्वल्स टू 0, और उसके बाद मैं प्रिंट कराऊंगा आई को, तो वो सारे के सारे इवन नंबर प्रिंट कर देगा। उसी तरीके से अगर मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में करता हूँ तो देखिए यहाँ पे इसे इफ़ नीचे जाता हूँ, यहाँ पे मुझे क्या करना है कि स्पेस देना है और सेम मुझे यहाँ लिखना है इफ़ आई मॉड्यूल 2 डबल इक्वल्स टू 0। देन अगर मैं बी प्रिंट कराऊंगा तो देखो सारे इसने वो एलिमेंट्स प्रिंट करा दिए हैं जो कि इवन नंबर है। ओके तो ये था हमारा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कि किस तरीके से हम एक सिंगल लाइन कोड में हम अपने एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या था, एक यहाँ पे हमारे 1 2 3, तो 3 लाइन का कोड मेरा यहाँ पे है, तब जाके मेरे इवन नंबर्स प्रिंट हुए हैं। लेकिन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से फ़ायदा ये होता है कि वो हमारे सिंगल लाइन सिंगल पीस ऑफ कोड में जो कि सिंगल लाइन में लिखा गया है, तो उससे ही हमारा एलिमेंट्स को प्रिंट करा देता है। दैट इज़ ऑल अबाउट दिस। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारे लेक्चर ट्यूटोरियल्स पसंद आ रहे हो तो गाइस जल्दी फटाफट लाइक करो और सब्सक्राइब करो। गाइस सब्सक्राइब फटाफट करो, सब्सक्रिप्शन हमें नहीं मिल रहे हैं, आप फटाफट सब्सक्राइब करो ताकि ताकि हम और अच्छी और अच्छे लेक्चर्स हम इसमें डाल सकें। और अपकमिंग लेक्चर ट्यूटोरियल्स में मैं इसमें पाइथन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बताऊंगा आपको, छोटे छोटे प्रोजेक्ट मिनी प्रोजेक्ट्स आपको बताऊंगा जो कि आपको स्कूल और कॉलेजेस में दिखाने के काम आ सकते हैं, अपने सीवी में लगाने के काम आ सकते हैं। और गाइस अगर आपको कोई भी डाउट है इससे आज तक के इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड, तो आप हमारे इस डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, आप उसमें जाके अपने टेलीग्राम में आप वहाँ पर भी आ सकते हैं और वहाँ पे अपने डाउट्स को रख सकते हैं, और विद इन 24 आवर्स हम एक्सेस करेंगे आपसे टच होने की। एंड थैंक यू।